Make your point on the News Hour. Join Arnab every night on the News Hour with your question. Ask your question and join the debate. पढ़ना चाह रही आने वाले दिनों में मेरे सामने दो मेन चीजें हैं. एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ग्लोबली जो वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है उस लेवल का स्किल डेवलपमेंट को मैं बल देना चाहता हूं, जो मेरे देश की रिक्वायरमेंट को भी पूरे करेगा. जिस देश के पास 800 मिलियन बिलो 35 एज ग्रुप के लोग हो वो दुनिया के वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है. तो मैं भारत को उस रूप में तैयार करना चाहता हूं. स्विट्जरलैंड की उसमें अपनी एक मास्टरी है, एक्सपीरियंस है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. मैं इसको कोलैबोरेट करना चाहता हूं. मैं आपको निमंत्रण देता हूं उस बात. दूसरा विषय है मेरा क्वालिटी लाइफ ऑफ द कॉमन मैन. क्वालिटी लाइफ ऑफ द कॉमन मैन के जो आवश्यकता है, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, अफोर्डेबल हाउसिंग हो, ये मेरे देश के लोगों के लिए मेरी प्राथमिकता है. मैं उसको करना चाहता हूं. एग्रीकल्चर सेक्टर में लो कॉस्ट इनपुट का एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सोलार पंप, इन चीजों को मैं बल देने का प्रयास कर रहा हूं. एट द सेम टाइम आज दुनिया के सामने में अच्छे ढंग से प्रगति के लिए हम एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं. हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेडेशन करना चाहते हैं. 50 शहर जहां मुझे मेट्रो करनी है, 50 मिलियन अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने हैं, मेरे रेल को मुझे एक्सपांड करना है, मेरे रेल को मुझे अपग्रेड करना है, टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट करना है. दूसरा, हम ग्लोबल जो चैलेंजेज है उसमें एक सबसे बड़ा है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग. हम 175 गीगावाट सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इस पर हम बल दे रहे हैं. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन पिछले दो साल के मेरे अनुभव से मैं कह सकता हूं कि इसको हम पूरा करेंगे, समय सीमा में पूरा करेंगे और दुनिया के सामने हम एक बड़ी मिसाल खड़ी करेंगे. लेकिन सोलार इंजीनियरिंग, तो मैं चाहूंगा कि सोलार इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी मेरे यहां लोग आए, सोलार के क्षेत्रों में इनोवेशन के लिए मेरे यहां आए. तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसके लिए मैं आपको निमंत्रण देता हूं. जीएसटी का विषय हो, इप्टा का विषय हो, कानूनी परिवर्तन का विषय हो, इसमें पूरी तरह मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा. जहां तक बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर, आज G20 समिट ने भी जो रिजोल्यूशन किया है, जिस रिजोल्यूशन के साथ हम जुड़े हुए हैं, ट्रांसपेरेंसी, रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, इन सारी बातों में भी स्विस बैंक के साथ मिलकर के काम करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं. आज राष्ट्रपति जी के साथ बहुत ही सकारात्मक मेरी बातचीत हुई है. मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं.